इंजीनियरिंग uh, you know, कोई बहुत ज़्यादा नोन कॉलेज से नहीं है ही लिवज इन गवालियर एंड गवालियर में एक कॉलेज है एम बी टी गवालियर जहाँ से उसने अपना इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया है देन उसके बाद गैप था उसके साथ साथ प्रिपरेशन की है एंड ही वॉज एबल टू मीट इट अकेडमिक्स जो है वो काफ़ी सॉर्टेड थे तो मैं यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो काफ़ी जेनरिक है बट ही वेरी स्पेसिफाई स्पेसिफिकली सेड दैट कि क्या होता था कि हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर में कई बार बहुत मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपेयर किया था तो मेरे उसके परसेंट टाइल बने थे ही सेड दैट सब कुछ पढ़ने के चक्कर में सब चीज मिस आउट हो जाती हैं तो क्रिएट योर ओन थिंग कहा क्या समझ में आ रहा है ऑफ यू नो इसी में कंज्यूम आप बुक्स रिफर कर रहे हो हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी नहीं कि एक ही चीज में आपको सब कुछ मिल जाए बट उसको लेके अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर रिविजन मटीरियल

प्री टेस्ट होते थे देन सेमेस्टर एग्जाम्स कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल पे है उसी तरह से अगर आप तो मॉक्स को, को नहीं दोगे राइट right? तो आप नहीं समझ पाओगे कि आप कहां अच्छा कर रहे हो कहां गलत कर रहे हो मॉक्स को देना इंपॉर्टेंट है बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक्स का एनालिसिस करना देने के बाद कि आपने जो अनेशन थे आप उनको सॉल्व करो आपकी जो मिस्टेक्स से उनको एनालाइज करो और कोशिश करो कि आप वो आगे वाले मॉक्स में नहीं दो राइट यूजुअली एग्जाम टाइम पे ये लोग ये कहते हैं कि जो इजीएस्ट क्वेश्चंस उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज़ जो मार्क्स अलॉटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है पर जब आप मॉक्स दे रहे हो तो जो आपकी टफस्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करो राइट right? एंड अपने जो uh, सेक्शंस हैं जो आपके वीक है उनको अटैम्प्ट करो बाद में सॉल्व करो उन क्वेश्चन को एनालाइज करो एंड सिंपल सी चीज़ है स्ट्राटजी को फॉलो करो अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भले वर्बल हो या फिर आप रीजनिंग के लिए कर रहे हो कि सिंपल सी चीज़ है एग्जाम पेपर को थर्ली गो थ्रू करो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है यार इट्स इट्स अ

प्रिपरेशन ताकि आपके पास मेंटल पीस भी रहे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो अगर आपको किसी सेक्शन में लग रहा है दैट ये मेरा वीक सेक्शन है तो आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू वाई एम सेंग दिस बिकॉज यू नो दिस इज समथिंग विच इज कॉमन विद ऑल दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड माई सेल हैज माई आई सेल हैव रिटन जई का एग्जामिनेशन एंड मुझे और मेरे जो और भी बैचमेट्स थे मुझे बस यही डिफरेंस लगता था कि मेरे कई सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं थे तो हम जब फिजिक्स में यू नो सॉल्व कर रहे होते थे या केमिस्ट्री में सॉल्व कर रहे होते थे जब बेसिक्स क्लियर नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हायर लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट करना तो यही सेम स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में सेम होती हैं प्लीज स्टिक टू इट एंड Best of luck, you know, you just have four months to go, and uh, all these top colleges are waiting for you for sure. But for that, you really need to work hard. So, that's all about this episode. Like, share, and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.